हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता जम्मी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू टाइप्स ऑफ चाट की रेसिपीज। तो आइए पहले हम बनाएंगे सेव पूरी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू बॉइल्ड और मैश करके लिए हैं फिलिंग के लिए। उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा फ्लेवरफुल आलू का फिलिंग रेडी हो गया है। अब हमें इसे पूरी पे रखना है। तो यहाँ पे प्लेट पे मैं पूरी रख रही हूँ। आप चाहे तो ये पूरी आप घर पे भी बना सकते हैं। सभी पूरी को अच्छे से अरेंज करने के बाद इस पे हमने जो आलू का फिलिंग रेडी किया था वो रखना है। फिलिंग को थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में अच्छे से रखना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर रखेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटा हुआ टमाटर। सेव पूरी सभी को बहुत पसंद होती है। इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ रेड चटनी, जो मैंने गार्लिक, जीरा, सॉल्ट और सोक्ड कश्मीरी रेड चिली को पीस कर बनाई थी। ग्रीन चटनी, जो नॉर्मली हम धनिया पुदीने की बनाते हैं। चटनीज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखना है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। खट्टी मीठी इमली की चटनी, इमली की चटनी भी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सेव। अभी मैंने नायलॉन सेव लिया है। अगर आपके पास नॉर्मल वाला सेव है तो आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, थोड़ा सा कच्चा आम। अभी आम का सीजन चल रहा है और कच्चा आम चाट में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी बूंदी, अगर आपके पास मसाला चना दाल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऊपर स्प्रिंकल करना है। और चाट मसाला। तो लीजिए, जल्द ही से आपकी सेव पूरी रेडी हो चुकी है। आप इसे एंजॉय करिए। तो अब हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है टैंगी लेज एंड कुरकुरे चाट। पर इसके पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी वैसी चाट और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, टैंगी कुरकुरे एंड लेस चाट। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट कुरकुरे का लिया है, नॉर्मल वाला मसाला मंच। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। एक पैकेट लेस का लिया है, लेस प्लेन सॉल्टेड वाला लिया है। लेस भी आप अपनी मनपसंद की फ्लेवर का ले सकते हैं। अभी मैंने ऐड किया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज। एक टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। एक कैप्सिकम लिया है और थोड़ा सा
टैंगी टेस्ट लाने के लिए रॉ मैंगो के पीसेस डाले हैं, इससे इस चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और जिसके बिना हर चाट अधूरी है वो थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़े से सेव डाल रही हूँ, सेव आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करिए, इससे उसका टैंगी फ्लेवर अच्छा आएगा। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो लीजिए, मिनटों में ही आपका कुरकुरे एंड लेस चाट रेडी हो गया है। ये इवनिंग में बच्चों के छोटी भूख के लिए बहुत ही जल्दी से बन जाता है। बच्चे खुद भी इसे बना सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, देखा ना आपने, दोनों ही चाट्स कितनी जल्दी से बन जाती है, और वो भी बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा। अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, और हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हम इसे इजीली जल्दी से घर पे बना सकते हैं और हमारी फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। तो आप दोनों ही चाट को ज़रूर बनाइए, और अगर पसंद आए हैं मेरे दोनों ही चाट के रेसिपीज तो लाइक करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।